Hello friends, this is me Ria. Welcome back to my channel, and I think this is gonna be my second proper video which I am recording for my channel. Right now views are not much and even subscribers are very less, but I'm getting some positive feedbacks. People are commenting, which I can see. Guys, I will believe that you guys will show some more love, and you know, social networking site pe, Facebook pe, Insta pe, mere kaafi followers hai aur kaafi logon se main connected hu, and I believe ki yahan pe bhi mujhe logon ka pyar milega aur aap log mera channel dekhenge aur subscribe karenge. So if you think that I have some potential, I promise I'll record more informative and entertaining video for all of you. So please press the hit like button and subscribe my channel. आज का जो वीडियो है वो स्पेशली लड़कियों के लिए है. ऑब्वियसली लड़कों को भी ये प्रॉब्लम्स होती है, सो एवरीबडी कैन सी, बट मोस्टली विंटर आ गया है. मैं तो कोलकाता में हूँ और यहाँ पे विंटर ऑलमोस्ट आ चुका है. सो एक छोटा सा मैं आपके साथ अपना टिप शेयर करना चाहती हूँ जो आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल होगा. सर्दियों में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें होती है वो है स्किन का प्रॉब्लम. जो घर पे भी होते हैं या जो बाहर भी जाते हैं उनको ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम होता है कि जो ड्राइनेस है वो हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है. नाउ विंटर में हम पानी भी कम पीते हैं, और अगर सही तरीके से हम अपने स्किन को हाइड्रेट नहीं करेंगे, मॉइस्चराइज नहीं करेंगे, तो उस चीज़ का जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो हमारे स्किन पे दिखता है. नाउ स्किन केयर पे तो बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, मैं खुद भी बनाऊंगी. आज जो मुझे आपके साथ शेयर करना है वो है माई लिप केयर सीक्रेट. एज आई अर्लियर हैव मैंशनड ऑल्सो दैट माई स्किन इज़ ड्राई, सो अगर मैं अपनी स्किन का बहुत रूटीन मेनटेन करके प्रॉपर ख्याल नहीं रखती हूँ तो फिर मुझे मेरी स्किन ड्राई हो जाती है, मेरे लिप्स ड्राई हो जाते हैं. आई रियली हैव चैप्ड लिप्स प्रॉब्लम जो कि बहुत सारी लड़कियों को है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अपने स्किन का ख्याल रखना पड़ता है. नाउ व्हाट डू आई डू, सम प्रोडक्ट्स आई हैव जो कि बहुत थोड़े से एक्सपेंसिव है, बाकी एक आध है जो मीडियम एक्सपेंसिव है, कुछ है जो एकदम टिपिकल ड्रग स्टोर प्रोडक्ट है. गाइस, सबके लिए नहीं पॉसिबल होता है कि हम सिर्फ हमारे लिप केयर पे या किसी पर्टिकुलर स्किन केयर प्रोडक्ट पे बहुत सारा पैसे इन्वेस्ट करें, बिकॉज लड़कियों को बहुत सी चीज़ें मेंटेन करनी होती है. हमें फाउंडेशन भी देखना पड़ता है, हमें ब्लश ऑन भी देखना पड़ता है, हमें अपने बाल भी देखने पड़ते हैं. सो कोई तुक नहीं बनता, स्पेशली जो लाइक हमारे जैसी नेक्स्ट डोर गर्ल्स है कि वो एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीद ले, कोई बहुत महंगा वो बेस खरीद ले, या वो बहुत महंगा कोई यू नो लिप ग्लॉस खरीद ले, सॉर्ट ऑफ थिंग. सो आई बिलीव कि क्या हमारे पास हैंडी चीज़ें हैं घर पे, क्या मौजूद है, या फिर ड्रग स्टोर प्रोडक्ट क्या है जो सबके बजट में भी हो और वो यूज़फुल भी हो, राइट. सो मैं बहुत सी चीज़ें अपने लिप केयर के लिए यूज़ करती हूँ. माई स्किन इज़ नॉट दैट सेंसिटिव, सो आई कैन एक्चुअली एक्सपेरिमेंट, बट आज दो तीन चीज़ों के बारे में ही मैं डिस्कस करूँगी जो कि बहुत ज़्यादा बहुत ईजिली आपको मिल जाएंगी. जो पहला है मेरे पास वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, जो कि लोग ज़्यादा ब्रांडेड चीज़ें या प्रॉपर ब्रांड मेंटेन करते हैं या एक लेवल मेंटेन करते हैं अपने मेकअप प्रोडक्ट्स में, वो ये उनके लिए है. मैक एक बहुत ही जाना माना ब्रांड है, मतलब एवरी मेकअप लवर, लाइक एवरी गर्ल लव्स मैक. लाइक मैक इज़ समथिंग सबको अपने वैनिटी बॉक्स में चाहिए होता है. मैं भी आई एम नॉट ऑब्वियसली द एक्सेप्शनल. I used to go to MAC. I'm a regular visitor of MAC store. I go for their master class. We work together. We make videos for them. I go and we record. There are so many amazing makeup artists. तो ऐसे ही मैं एक गई थी उनके मेकअप क्लास के लिए, एंड एक्चुअली दे इनवाइटेड मी फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन थिंग. वी एक्चुअली मेरा वीडियो, उसके फ़ोटोज़ जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मेरे फेसबुक पे है वो फ़ोटोज़, तो आई शेयर हियर ऑल्सो. ये एक बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, वॉन्ट टू शो यू. दिस इज़ मैक लिप स्क्रब. इसकी खासियत ये है कि इट वर्क्स लाइक अ स्क्रब, योर लिप स्क्रब वेरी मच, इट डज एक्सफोलिएट वेरी अमेजिंगली, एंड ये आप ना जब ये आप अपने लिप्स पे स्क्रब करेंगे तो यू कैन एक्चुअली फील द ग्रैन्यूल्स व्हिच विल लाइक मेक क्लीन योर लिप्स, योर इट विल मेक योर लिप्स लाइक सब लाइक सॉफ्ट.
तो आप ये फील करेंगे. एंड अगर आपको कोई लिप ग्लॉस या लिपस्टिक यूज नहीं करना है तो यू आर जस्ट हैव टू टेक इट लाइक दिस मच क्वांटिटी. This much quantity is more than enough. You just have to rub it on your lips and you have to tissue से आपको पोछ लेना है. And ये आपके lip को एक हल्का सा color देता है, एक light pinkish color. And इसकी fragrance, it's amazing. Trust me, मैं I can smell it the whole day. बहुत अच्छी fragrance है इसकी. I think strawberry flavor है. बहुत अच्छी इसकी fragrance है. ये जो है it's something which I always carry because as I said I used to have chapped lips. तो मुझे इसको carry करना पड़ता है all that I am in my bag. And it works like a magic. सच में मतलब मैंने इसको अभी है नहीं मेरे पास बड़ा फाइल इसका, तो मैंने इसको स्टोर करके रखा है कि कभी अगर जब कभी भी मुझे ज़रूरत पड़े आई कैन यूज़ दैट. इट वॉज बहुत सी हाउ डज इट लुक. This is like pure red, strawberry flavor है. तो pinkish, sort of reddish pinkish इसका color है. बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत useful चीज़ है. और I don't know actually the price कितना है इसका. मुझे तो gift में मिला था, so I will actually research and let you know कि इसका price क्या है और कितने दिन तक आप, I'm sure आप इसको काफ़ी दिन तक store कर सकते हैं क्योंकि as I said कि बहुत ही कम quantity में लगता है. तो it's a good investment especially for those girls जिनके chap lips है और who are like okay to use MAC, like investing like handsome amount in a particular product. So ये तो हो गया MAC, जो कि जिनकी तो बारे में हम क्या बात करें. MAC is something like अगर MAC के प्रोडक्ट्स अगर हमारे पास है तो वी आर ऑल सॉर्टेड. लाइक वेडिंग सीजन इज कमिंग एंड वी ऑल आर क्रेजी अबाउट MAC प्रोडक्ट्स. सो इट्स डन. लाइक आई विल मूव फॉरवर्ड एंड शो यू अ वेरी बेसिक लिप बम. सॉरी फॉर द साउंड. दिस इज नायका सीरियल किसर लिप बम गाइज. एंड ये मैंने नायका से खरीदा है. ऑब्वियसली नायका का प्रोडक्ट है. क्या बोलूँ इसके बारे में. इट्स लाइक I have used Lakme, जो Lakme का जो like lip balm है वो भी मैं use कर चुकी हूँ. Honestly ये it's a okay product I would call, because कि मेरे lips काफ़ी ज़्यादा dry होते हैं तो it didn't work like really great for me. But obviously आप इसको अपने bag में carry कर सकते हैं. like कुछ नहीं से अच्छा कि कुछ हो. तो अच्छा एक और इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि कुछ दिनों बाद इसका जो ये जो रोलर है ये थोड़ा सा ट्रबल करने लगा है. बट इट्स ओके, लाइक यूजबल है अभी भी. कभी कभी ये निकलता है, कभी कभी नहीं निकलता. एक आध बार मेरे हाथ से गिर गया था. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. इसका फ्रेग्रेंस भी अच्छा है. आई थिंक इसका पीच फ्लेवर है. ये सब पीच फ्लेवर, पीच करके कुछ उसका फ्लेवर था. तो ये वो है. काफ़ी है मेरे पास, काफ़ी दिन पहले मैंने इसको खरीदा था एंड आई यूज़ इट क्वाइट ऑफन. तो ये अच्छा है और ये बहुत एक लाइक पॉकेट फ्रेंडली है. ये मुझे शायद 150 या 140 टू 160 रुपीज़ में मिला था, विच इज़ एक्चुअली वेरी मच पॉकेट फ्रेंडली. तो इट्स ओके, अगर थोड़ा सा बुरा भी है तो हम इसको जज नहीं कर सकते बिकॉज इसका प्राइस जो है वो काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली है. नाउ कम बैक टू द Lakme लिप बाम. रियली गाइज, Lakme लिप बाम का जो सबसे मुझे अच्छा लगता है, उनके काफ़ी सारे वैरायटी है, शेड्स हैं उनके काफ़ी सारे. लाइक आई एम श्योर स्ट्रॉबेरी है, पीच है और भी कुछ शेड्स है. विच इज़ द बेस्ट पार्ट इज इट गिव्स योर लिप अ रियली सबल प्रिटी सॉर्ट ऑफ कलर. कि आपको अगर आप चाहे कि आई डोंट वॉन्ट टू पुट एनी लाइक ड्राई लिपस्टिक और मे बी लाइक लिप ग्लॉस, यू डोंट नीड टू, यू आर गुड टू गो. मतलब आप उसको लगा लीजिए एंड यू जस्ट गुड टू गो. आपको कुछ भी और लगाने की लाइक लिपस्टिक लगाने की या लाइक ग्लॉस लगाने की जरूरत नहीं है. Lakme की जो लिप बाम्स है उसकी खासियत यह है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी पॉकेट फ्रेंडली. एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट प्राइस, बट यू गाइज कैन गेट इट एवरीवेयर लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मे बी एम श्योर नायका में भी मिल जाएगा या आपको किसी भी ड्रग स्टोर शॉप में मिल जाएगा. ओके, पहले हमने MAC के बारे में बात किया जो कि थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है. उसके बाद हमने नायका के बारे में बात किया जो कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है. अब जिसके बारे में बात करने जा रही हूँ, मे बी आप लोगों को थोड़ा सा और लगे, बट दिस इज़ द सुपर चीपेस्ट प्रोडक्ट एंड आई रियली एम इन लव विथ दिस बिकॉज ये मेरे बेड पे हमेशा होता है. व्हेन एवर आई नीड, एक्चुअली आई हैव मल्टीपल फाइल्स ऑफ दिस. जब भी मुझे ज़रूरत होती है आई जस्ट यूज़ दिस बिकॉज एज आई सेड काफ़ी बार मैं मैंशन कर चुकी हूँ, मेरे चैप लिप्स की मुझे प्रॉब्लम है तो मुझे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस चीज़ की. आई एम श्योर आप लोग भी कनेक्ट कर सकते हैं. गाइस एक्चुअली पहले ना ये सब चीज़ें थी नहीं, ये लिप बाम
लिप ग्लॉस ये सब पहले था नहीं, पहले ये सब बेसिक आई थिंक जब मैं भी स्कूल में थी तो क्या यूज़ करते थे हम विंटर में, हम यूज़ करते थे ग्लिसरीन। आप लोगों को मे भी आप लोग कई लोग मुझसे रिलेट कर पाएंगे, हम ग्लिसरीन यूज़ करते थे, जैसे ही विंटर आता था हम ग्लिसरीन खरीद के ले आते थे और उसी को हम लगाते थे। एंड फिर बोरोलिन था गाइस, बंगालीज़ के घर में बोरोलिन अभी भी, विंटर जैसे ही आता है वी गेट बोरोलिन, बट गाइस लाइक अभी अभी नहीं है वो ट्रेंड, अभी वो नहीं चीज़ें हम कर सकते, वी गो वी हैंग आउट विद फ्रेंड्स, ऑब्वियसली बोरिंग लगा के नहीं जा सकते। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ अ वेरी अमेजिंग रिप्लेसमेंट एंड वेरी मच पॉकेट फ्रेंडली। व्हाट इट्स अ VLCC नेचुरल साइंसेस वैसो प्लस वाइट पेट्रोलियम जेल। इसका प्राइस मैं आपको बताना चाहती हूँ, इट्स 50 rupees ओनली। ओके नाउ इट्स लेट मी चेक आउट द क्वान्टिटी, इट्स 42 ग्राम। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, इट्स टोटली कलरलेस, इट्स वाइट इन कलर, कोई इसमें कलर नहीं है। तो कलर वाले जो बोला जाता है कि इन सब चीज़ों में क्योंकि कलर होता है थोड़ा बहुत, सो दे आर नॉट एक्चुअली वेरी मच गुड फॉर आवर लिप। बट ये जो है वेजलिन जिसे हम बेसिकली कहते हैं, दूसरी भी कंपनी वेजलिन बनाती है, बट आई बॉट इट आई थिंक लास्ट विंटर से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ अमेजिंग, मतलब ऑब्वियसली अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से आप अपने लिप्स को टेक केयर करेंगे तो इट वर्क्स रियली गुड। आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं अपने साथ, इट्स नॉट दैट इवन वेरी वेरी बिग। सबसे अमेजिंग बात यह है कि गाइस दिस इज़ ओनली 50 bucks एंड इसकी क्वांटिटी देखिए, मतलब पूरा विंटर आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। एंड इवन मैं तो इसको पूरे ऑलमोस्ट यू कैन से कि पूरा सीजन, पूरा जो साल है मैं ऑल द टाइम आई यूज़ इट, आई कीप इट, मेरे पास मल्टीपल फाइल्स है, आई कीप इट ऑन वन इन माई बैग, वन इन माई वैनिटी, वन ऑन माई बेड, सो आई ऑलवेज लाइक मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ये तो हो गया कि ड्रग स्टोर भी प्रोडक्ट बता दिया, थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी बता दिया, लिप ग्लॉस भी बता दिया, लिप बाम भी बता दिया। नाउ समथिंग व्हाट आई ऑलवेज एम्फसाइज कि अंदर से हम अपने अपने त्वचा का और अपने हेयर का और अपने लिप का कैसे ख्याल रखें, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप बाहर से कितनी भी चीज़ें लगाइए, जब तक आपकी बॉडी अंदर से हाइड्रेट नहीं होती, नन ऑफ दीज गना वर्क और एक्चुअली वर्क लॉन्गर, मे बी शॉर्ट टाइम के लिए काम करे। व्हाट आई डू टू टेक केयर ऑफ माई लिप्स एज वेल एज माई स्किन, माई फुल फेस, स्पेशली इन विंटर, आई यूज डाबर हनी। यस, दैट इज़ अ सीक्रेट, आई यूज डाबर हनी। अगर आप कुछ नहीं कर सकते पूरा दिन अपनी स्किन के लिए, सो व्हाट यू हैव टू डू, कम बैक एट द नाइट, आई जस्ट डन विद योर डिनर एंड ऑल लाइक जॉब, यू डोंट हैव टू गो आउट, यू आर डन फॉर द डे, जस्ट टेक वन मे बी हाफ स्पून ऑफ हनी, बिकॉज हनी की जो डेंसिटी है वो काफ़ी हैवी होती है। तो टेक हाफ स्पून ऑफ हनी एंड मिक्स इट विथ मे बी रोज़ वाटर, बिकॉज रोज़ वाटर क्या करती है उसकी डेंसिटी को थोड़ा हल्का कर लेती है, विच आई एक्चुअली प्रेफर। आई यूज़ डाबर गुलाबरी रोज़ वाटर, विच इज़ अगेन अ ड्रग स्टोर प्रोडक्ट, वेरी मच अफोर्डेबल, एंड वी कैन ऑब्वियसली दैट हैज़ अ मल्टीपल यूज़, वी कैन यूज़ इट अ टोनर एज वेल। तो मैं क्या करती हूँ उसको अपने अपने गुलाबरी के साथ मैं अपने हनी को मिक्स कर लेती हूँ and I just massage it on my face as well as on my lips. What does honey do for our skin is it helps skin lightening and it helps like keep nourished our face skin, especially our lips. Honey hamare lip ko bahut zyada nourishment deti hai. Guys, if you don't have this MAC lip exfoliator scrub, what you can do, you can take powdered sugar and mix it with jack olive oil or whatever olive oil you have in your home and rub it on your face. It works amazing. It's an amazing lip scrubber. बहुत effective है, आपके lip को lighten करेगी, जिनके black lips है the color will like decrease, it will go like more lighter, like more pinkish, and yes, so बहुत अच्छा lip scrubber है वो और honey. These are the both my secret which I always always do in especially in winter, like maybe the full of year आप ये कर सकते हैं, because हमारे lips हो जाते हैं कई कभार dry, winter में भी तो हो ही जाते हैं, monsoon में भी हो जाते हैं, and पानी अगर हम ना पिए, अगर proper तरीके से हमारा skin nourish ना हो, moisturize ना हो, तो किसी भी season में आपका skin जो है वो dull हो सकता है, dry हो सकता है. So this is like I am for today. Keep having lot of water, keep eating seasonal fruits, have almonds, have walnuts, they both are incredible for skins, and do all this
जो भी ड्रग स्टोर प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं, या आप थोड़ा सा ब्रांडेड लेना चाहते हैं, या आप कोई भी नॉर्मल लिप बाम इज़ ओके फॉर यू, गो फॉर दैट. बट प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर स्किन एंड लिप, बिकॉज हम बहुत अच्छा मेकअप करें लेकिन हमारी जो लिप है वो चैप्ड हो, तो कोई भी अच्छा सा हम लिपस्टिक लगाए, कितना भी ब्रांडेड हो, कितना भी एक्सपेंसिव हो, लाइक इट्स ऑल वेस्ट. एंड वर यू गना रिमेंबर द वन मोर लास्ट टिप इज़ बिफोर अप्लाइंग एनी सॉर्ट ऑफ लिप बाम और एनी सॉर्ट ऑफ लिपस्टिक और एनी सॉर्ट ऑफ लाइक आजकल न्यूड लिपस्टिक्स के बहुत ज़्यादा ट्रेंड हैं, मैं भी लगाते हैं, लव न्यूड. बट गाइज प्लीज़ एक्सफोलिएट योर लिप, बिकॉज चैप लिप्स के ऊपर लिप ग्लॉस लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, कुछ भी लगाओ, इट लुक्स सो हॉरिबल. सो प्लीज़ एक्सफोलिएट एंड देन पुट वट एवर यू वांट टू पुट इट एंड गिव पीपल एन अमेजिंग स्माइल. Guys, I am done for today and please hit the like button. I'm gonna record more interesting videos. I want to share like all the tips, tricks I apply and wanna get connected with more people. So please subscribe my channel and press the like button. Bye.